क्रिसमस में प्यारे भाई और बहनों, लोयोला के संत इग्नाशियस यीशु समाज के संस्थापक थे और वे लोगों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते थे और इस काम में वो बहुत ही माहिर थे और अपने इस मार्गदर्शन में वे अक्सर क्रिएटिव इमेजिनेशन, रचनात्मक कल्पना का इस्तेमाल करते थे। वे खुद अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करते थे और लोगों को भी यह करने का अभ्यास देते थे और वे बाइबल के घटनाओं पर मनन चिंतन करते और करते समय लोगों को सिखाते थे कि कैसे वो रचनात्मक कल्पना द्वारा व्यक्तिगत अनुभव करें, प्रभु के प्यार का व्यक्तिगत अनुभव करें। और एक बार वो लोगों को क्रिसमस के बारे में बता रहे थे, प्रभु यीशु का मनुष्य धारण करने के बारे में बता रहे थे और वो लोगों से कह रहे थे, कल्पना करो कि परम त्रित्व, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पृथ्वी के ऊपर भ्रमण कर रहे हैं और नीचे वो पृथ्वी की तरफ देख रहे हैं। और वो जब देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर बहुत लोग बहुत परेशान हैं, त्रस्त हैं, त्राही त्राही मची हुई है और वहाँ पर उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, उनको सहायता देने वाला कोई नहीं है। वे बिना चरवाहे के गडेरिए जैसे हैं। और वे आपस में बातचीत करने लगे और कहने लगे कि हमें इन दुखी लोगों की मदद करनी चाहिए, इनकी सहायता करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि हम में से एक पृथ्वी पर जाएंगे और लोगों की मदद करेंगे। और इस प्रकार हम देखते हैं प्रभु यीशु इस दुनिया में आए और इस दुनिया में एक गरीब परिवार में पैदा होकर उन्होंने हमारे बीच निवास किया। संत योहन के अध्याय 3 और पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन वो प्राप्त करें। यह सबूत है क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों कि ईश्वर हमसे कितना प्यार करता है। उन्होंने हमारे लिए अपना अनमोल दान दिया है, सबसे उत्तम उपहार उन्होंने हमारे लिए दिया है। फारस में एक राजा हुआ करते थे, वे बहुत ही नेक राजा थे, लोगों का ख्याल रखते थे और अपना भेष बदल कर वे लोगों के बीच में जाते थे और लोगों के हालात क्या हैं इसके बारे में खुद व्यक्तिगत रूप से जानकारी लेते थे। और उस समय वहाँ के अमीर लोग, रईस लोग गर्म पानी से, तालाबों में गर्म किया हुआ पानी से वो नहाते थे और गरीब लोग नौकर चाकर ये पानी गर्म करते थे। ऐसा एक व्यक्ति था जो बहुत ही गरीब था, अकेले वो पानी गर्म किया करता था। राजा उसके साथ भी जाकर एक साधारण व्यक्ति के रूप में उसके साथ जाकर बैठते, उससे बातचीत करते और उसकी जो रुकी सूखी रोटी थी उसको भी वो खाया करते थे और उसके बाल बच्चों के बारे में पूछते। इस प्रकार वो उस अकेलेपन को, उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए उसका साथ देते थे और साथ ही साथ उसके हालात से वाकिफ होते थे। एक दिन राजा ने अपना असली परिचय उसको दिया और कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ। वो गरीब आदमी बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और उस राजा ने उसको अपने घर में बुलाया, अपने राजमहल में बुलाया। और जब वो गरीब व्यक्ति उस राजमहल में गया तो उसने देखा राजा बड़े टाट बाट से, शानो शौकत से वो वहाँ पर बैठा है और लोगों को उपहार बांट रहा है। वो किसी को सोना, किसी को चांदी, किसी को जेवरात, कीमती वस्तुओं को बांट रहा है। जब ये व्यक्ति वहाँ पर गया
तो राजा उससे मिलने आए और उससे पूछने लगे, भाई तुम मुझसे क्या चाहते हो? सबसे कीमती उपहार मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं। उस गरीब व्यक्ति ने राजा से कहा, मैं तो छोटा आदमी हूं, लेकिन आपने मुझे सबसे उत्तम सर्वोत्तम उपहार दिया है। आप लोगों को सोना मोती और अन्य अमूल्य चीजों को देते हैं, लेकिन आपने सबसे अमूल्य दान हमें दिया है। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? आपने अपने जीवन को हमारे साथ बांटा है। आपने मेरे साथ आप बैठे हैं, मेरी रुखी सुखी रोटी खाई है, आपने मेरे बारे में पूछा, मेरे बाल बच्चों के बारे में पूछा, आप मेरे साथ रहे, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए? क्रिसमे प्यारे भाई और बहनों, इसी प्रकार ईश्वर भी अपना सब कुछ छोड़कर एक साधारण व्यक्ति बनकर हमारे बीच में आए और उन्होंने मानव रूप धारण कर हमारे सभी कार्यकलापों से, हमारे दुखों से, तकलीफों से वो वाकिफ हुए और हमारे समान हर चीज़ में, पाप को छोड़ हर चीज़ में वो हमारे समान बन गए। मैंने कई जगह कई गिरजाघरों में क्रिसमस मनाया है, बड़े बड़े चर्चों में भी मैंने क्रिसमस मनाया है। बड़े गिरजों में कहीं पर लाल पत्ती के पॉइंसेटियास बहुत लगे रहते हैं, गिरजाघर बहुत ही शानदार तरीके से सजाए जाते हैं, बिजली से इल्यूमिनेशन किए जाते हैं, लेकिन इन सभी जो जश्न हमने देखे हैं, श्रृंगार जो क्रिसमस के समय होता है उसको देखा है, लेकिन इनमें सब में मुझे वो क्रिसमस याद आता है जो मैंने एक गरीब पल्ली में बिताया। सालों पहले एक गरीब पल्ली जहाँ केवल 7 परिवार थे, बिजली नहीं थी वहाँ पर, और लोग लालटेन के उस उजियाले में गाना गा रहे थे। बहुत 35-35 लोग होंगे, बच्चे बड़े सभी मिलकर जोर शोर से, बड़े उत्साह से, उमंग से गाने गा रहे थे। वो हारमोनियम के धुन में और तबले की ताल में गला फाड़कर बच्चे बड़े उत्साह के साथ गा रहे थे, और वो मुझे वो क्रिसमस मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। बार बार वो क्रिसमस मुझे याद आता है, पता नहीं क्यों। शायद इसलिए कि वो क्रिसमस पहले क्रिसमस के करीब था, पहले क्रिसमस से वो मिलता जुलता है। हम संत पौलुस के पत्र जो उन्होंने फिलिपियों के नाम लिखा, अध्याय 2 पद संख्या 6-8, उसमें हम सुनते हैं, वास्तव में वे ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर अपने को दीनहीन बना दिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कितना प्यार, प्रभु का प्यार यह अनोखा है। आज भी बालक यीशु चरनी से हमें संदेश लेकर आते हैं और वे कहते हैं, मैं गरीब बना ताकि तुम मुझे अपनी संपत्ति मानो, मैं चरनी में पैदा हुआ ताकि तुम अपने पर्यावरण को पवित्र मानो और उसकी सुरक्षा करो, मैं कमज़ोर बना ताकि तुम मुझसे डरो नहीं, मैं प्यार देने के लिए जन्मा ताकि तुम मेरे प्यार पर कभी शक न करो, मैं रात को जन्मा ताकि तुम समझो कि कोई भी किसी प्रकार का अंधकार को मैं दूर कर सकता हूँ, मैं मनुष्य बना ताकि तुम्हारा जीवन दैवी प्रकाश से भर जाए, मैं सरलता में जन्मा ताकि तुम अपने जीवन को जटिल बनाना छोड़ दो, जीना उसी का जीना है जो औरों को जीवन देता है। हम यह संपूर्ण तरह से देने की प्रक्रिया
प्रकृति में दिखते हैं। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, नदियाँ अपनी अपना पानी नहीं पीती हैं, पेड़ अपने फल नहीं खाते हैं, सूरज अपना अपने लिए नहीं चमकता है, फूल अपने सुगंध अपने लिए नहीं फैलाते हैं। दूसरों के लिए जीना प्रकृति का नियम है। हम भी एक दूसरे की मदद करें, हम एक दूसरे से मदद करने के लिए बनाए गए हैं। जीवन कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, वो अच्छा लगता है जब हम खुश हैं, लेकिन वो और भी खुशमय हो जाता है जब औरों को खुश बनाते हैं। हमारा जीवन और भी अच्छा हो जाता है जब हम दूसरों को खुश करते हैं, जब हमारी वजह से दूसरे खुश हो जाते हैं। क्रिसमस में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के जन्म का रहस्य, देह धारण का रहस्य 2000 पहले हुआ था, लेकिन वही बालक प्रभु यीशु आज भी हमें संदेश देते हैं, और इस उनके संदेश को हमें जीना है, हर दिन प्रतिदिन जीना है। और वही जो शब्द जिसने शरीर धारण किया माता मरियम के द्वारा, वे इस दुनिया में आए, वो हमारे हृदय पर आज दस्तक देते हैं और पूछते हैं, क्या तुम अपने दिल में मुझे जन्म लेने दोगे?